हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सरकारी जॉब ज्ञान पे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले SBI क्लर्क प्रीलिम्स एग्जाम के बारे में, क्या लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिए ताकि जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए यहाँ पे लेके आए वो आपको पूरी मिल सके। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको SBI क्लर्क एग्जाम के साथ साथ अन्य गवर्नमेंट एग्जाम की लेटेस्ट अपडेट मिल सके। जैसे कि दोस्तों, आप सब लोग पता है, कई सारे स्टूडेंट्स वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं रिजल्ट को लेकर, यहाँ पे जूनियर एसोसिएट SBI के, कि सर जो रिजल्ट यहाँ पे कब तक आने वाला है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लगातार मैसेज आते हैं, हालांकि हमने अभी एक दो दिन पहले वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था कि जो रिज़ल्ट है आपका मई के अंत तक आना 100% निश्चित है। तो पूरे चांसेस है दोस्तों, आपका जो रिज़ल्ट है मई के अंत तक आ सकता है, ये पूरे चांसेस है दोस्तों यहाँ पे आके। और कई सारे स्टूडेंट मेंस एग्ज़ाम को लेकर चिंतित है, सर एग्ज़ाम कितने टाइम बाद डिले होगा। तो दोस्तों, आपके लिए फ़िलहाल यहाँ पे बहुत अच्छा समय, आपको और ज़्यादा मेंस के लिए प्रिपरेशन करने के लिए यहाँ पे टाइम मिल चुका है। तो और अच्छे से मेहनत करिए आपकी, ताकि जो भी आपको ये समय मिला लॉकडाउन का, इसमें अच्छे से अच्छा स्कोर आप यहाँ पे मेंस में कर सके, जो फाइनल सिलेक्शन है वो आप यहाँ पे पा सके। तो आप दोस्तों वेट करिए मई के अंत तक, यानी लगभग 28-27 मई के आसपास आपका जो रिज़ल्ट यहाँ पे जारी हो सकता है जूनियर एसोसिएट SBI का प्रीलिम्स के यहाँ पे। और मेंस एग्ज़ाम भी आपका लगभग एक महीने के बाद होने के चांसेस है, हालांकि आप बिल्कुल अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर रहे। अगर रिजल्ट नहीं भी आता है तो भी आपके लिए चांसेस रहेगा कि आप मेंस एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाए, हालांकि आपके रिजल्ट के पूरे चांसेस है कि मई के अंत तक यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा। तो फिलहाल यही कुछ लेटेस्ट अपडेट है दोस्तों आप सब लोगों के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे, हमारे चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।